आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम आ रहा है जो कि कंप्लेन ये रहता है कि पहले हमने रिसीव किया था प्रॉपर चलता हुआ, लेकिन अब डेट हो गया। आया था किस लिए? क्योंकि ये आया था कीबोर्ड रिप्लेस करने के लिए या फिर कुछ ऐसे काम करने के लिए, सर्विसिंग करने के लिए। अकॉर्डिंगली ये हमने किया बट ये चालू नहीं हो रहा है। तो ये बिगनर इंजीनियर हो गए या फिर डीलर पॉइंट हो गए जहाँ पे काम हो रहा है, वहाँ पे एक सबसे बड़ा आज के डेट में इशू है जो कि ऑन रहता है सेट और डेड हो जाता है। खास करके न्यू जनरेशन के हो गए या प्लस और भी कुछ पुराने नए मिला के बहुत सारे ऐसे केस आ रहे हैं जो कि ऐसे कॉम्प्लिकेटेड आ रहा है केस, जैसे कि एलसीडी चेंज करने के लिए आया था, डेड हो गया, ब्लैंक हो गया, ये सब प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक छोटा सा मैं एक चीज़ यहाँ पे गाइड करना चाहूँगा बिगनर्स जो हैं उनके लिए, कि कभी भी आपके पास केस आता है तो अगर आप एलिजिबल हो उस पर काम करने के लिए तो करिए, नहीं है तो आपके सीनियर हैं जो भी हैं उनसे करवाइए। क्योंकि क्या है इसमें, एक तो महंगा है अपना बोर्ड वगैरह, और ये ख़राब हो जाएगा तो आप मान लीजिए आपका सर्विस चार्ज रखा है अपने 500 या 700 कुछ कीबोर्ड चेंज करने का, तो वो 500 के चक्कर में आपको 10,000 15,000 का नुकसान हो जाएगा। अगर आपको काम करना है तो किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो यहाँ पे आप बोर्ड में देखे होंगे कि माइलर्स होते हैं, यानी कि आपको मैं दिखाता हूँ, बेसिकली कीबोर्ड चेंज करने के लिए आया था बोर्ड लेकिन ये डेड हो गया, तो सॉरी ये लैपटॉप। तो ये जो माइलर है ये माइलर को आप हटाना नहीं है, इसको प्रॉपर रहना चाहिए। प्लस जहाँ जहाँ बोर्ड में यहाँ पे जो जो जगह पे माइलर लगा हुआ है वो प्रॉपरली लगाना है वापस आपको। अब इस केस में हुआ क्या है, इस केस में हुआ ये है कि आई थिंक कि ये क्या किए हैं, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, कि ये जो कनेक्टर है ना हाफ प्लग कर दिए रहेंगे एक साइड में या फिर कहीं पे शॉर्टिंग हुआ रहेगा, तो इस साइड से बर्निंग हो गया ये इस तरह से, और यही कारण बन गया है जो कि अब ये बोर्ड डेड हो चुका है। तो ऐसा केस है ना, अगर थोड़ा सा केयरफुली होकर काम नहीं करते हैं या फिर कहीं पे थोड़ा सा छोटा सा मिस्टेक कर देते हैं तो हो जाता है। अभी क्या है ये बोर्ड बचा हुआ है, यानी कि नुकसान ज़्यादा नहीं हुआ है, फिर भी अभी क्या है ये केबल मिलेगा नहीं, है ना, बिना सर्विस सेंटर गए हुए। और सर्विस सेंटर जाएंगे तो उनका भी अलग ही नाटक है। तो इसलिए जो भी केसेस आपके पास आते हैं, जितने भी बिगनर हैं काम कर रहे हैं, कृपया करके ध्यान दें इस चीज़ पे, नहीं तो नुकसान आपको ही झेलना पड़ेगा। और इसमें क्या हुआ रहेगा मैं बताता हूँ, ये जो कनेक्टर है ना आप एक इंस्पेक्शन प्रॉपर करें आफ्टर रिप्लगिंग, यानी है कि आप इसको कनेक्टर को यूज़ कर रहे हैं जब लग गया ये कनेक्टर, मान लीजिए ये मेन बोर्ड साइड का है, अगर इसको आप लगा रहे हैं तो पहले तो यहाँ पे ये दिया गया है लॉक, यानी कि ये दिया गया लाइक यहाँ पे आप देख के समझ सकते हैं लगा या नहीं लगा, इसको आप यहाँ पर लगाइए, ये टेढ़ा लग गया होगा, ऐसे रह गया होगा, इसलिए ये बंद हो गया है। बट आप इसमें क्या कर सकते हैं, जो बिगनर हैं इसको प्रॉपरली पुश करें, है ना, दोनों साइड से, अभी तो ये नहीं हो रहा है, उस रीज़न ये है कि ख़राब हो गया है, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है, ऐसे डाउन करिए और इसका जो पिच है ना आप ये डिस्टेंस इसका मैच कर लीजिए कि यहाँ से कितना दूर है, क्योंकि ये पिच इसीलिए ये जो मार्किंग इसीलिए बनाया गया है कि आपको पता चले कि ये कनेक्टर सही से लगा है या नहीं लगा है। इस चीज़ का ध्यान दें, आपका केसेस मतलब बर्निंग वगैरह ये सबसे बच जाएंगे। और जैसे कि बताया मैं माइलर का बात, तो इसमें जहाँ जहाँ माइलर लगा हुआ है, यानी कि इसमें नहीं है बोर्ड पे, नहीं तो बोर्ड पे भी रहता है, और उसी तरह से यहाँ अब ये कनेक्टर भी बर्न हो गया है, कनेक्टर बर्न हो गया है, टूट गया है, ये सब दिक्कत है। तो इससे बचना है तो थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, अगर आप नहीं लेते हो तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, यानी कि 10,000 15,000। ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको वैल्यू नहीं पता है काम का, कि उनको काम कितना वो जो काम कर रहे हैं उसका कितना प्राइसिंग लेना चाहिए, कितने पैसे होने चाहिए, तो ये भी बड़ा मुद्दा है। तो इस केस में मान लो 500 रुपये आपने आपको कमाना था और आपने दे रहे हैं कितना, 10,000, 10,500, 11,000, 15,000, तो इस तरह से इस बोर्ड का दाम नहीं होने से कम 10,500, 11,000 तो है, तो ये बोर्ड आपको 11,000 अगर भरना पड़ जाए तो कैसे मज़ा आएगा। तो इसलिए आपका सर्विस चार्ज जो है एक तरीके से होना चाहिए, यानी कि आप कौन सा काम कर रहे हैं रिगार्डिंग लैपटॉप पे, आप छोटा मोटा सर्विस कर रहे हैं उसका कैटेगरी करिए,
आप L3 पे काम कर रहे हैं उसका कैटेगरी करिए, एसेसरी रिप्लेस कर रहे हैं उस पर काम उसका अलग कैटेगरी रखिए, प्लस आप विंडोज़ या एप्लीकेशन पे किसी भी काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर पे उसका कैटेगरी अलग रखिए, हर एक का प्राइस अलग रखिए। तो आप इससे क्या होगा, दो पैसे आपको बचेंगे और आप रेस्पॉन्सिबल बन पाओगे, और बाई चांस कोई नुकसान हो भी जाता है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, ये केवल तो लग नहीं सकता है, यहाँ पे केवल लग नहीं सकता है तो हम इसे लगाएंगे नहीं, हम सिर्फ ढूंढेंगे कि इसमें पावर बटन कौन सा है और उसी को हम रिस्टोर कर देंगे ताकि ये जस्ट ऑन हो जाए। अब इनको अगर बनाना होगा तो सारा केबल वगैरह अरेंज करना पड़ेगा तब जाके ये बनेगा। तो एक बार के लिए मैं इसे क्या करूँगा, इसको मैं डीसी इन करूँगा यहाँ पे और चेक करता हूँ कि कौन सा पिन है यहाँ पे, कि वो मतलब यहाँ पे जो पावर बटन है इस पे, तो डीएमएम को डायड रेंज पे रख लो। अब आपको यहाँ पे ढूंढना है कि कौन सा है, ऑन करना है क्या करके, तो ये तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे क्या, यहाँ आसपास होना चाहिए, ये होगा क्या, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और इस साइड में नहीं है, कुछ तो दिख नहीं रहा है, बट ये इसी में कोई सा है, कौन सा है, अच्छा यहीं पे ही है, तो यानी कि इनमें से कोई एक होगा। अच्छा ये है, यानी कि ये पिन है जो कि ये वाला, ये फिर से एक बार ऑन करके देख लेते हैं। स्पिनिंग हो रहा है, इसमें हो रहा है शायद, इसमें ये पिन है, यानी कि यहाँ से ये वाला, ये जो मार्क किया मैंने, यानी कि ऊपर से ही सोल्डरिंग कर सकते हैं, ऑलरेडी तो डैमेज हो ही चुका है ये। तो अब सिंपल एक जस्ट इसमें बटन हम बना देंगे, अब आगे वो जो करना चाहें। तो ये प्रॉब्लम है, आप लोगों को सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, प्लस इसमें ग्राउंड कौन सा है, ग्राउंड को ध्यान में रखते हुए ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी भी तो ग्राउंड होता है ना। तो ये है ग्राउंड, अगर मैंने इसमें वायर जोड़ रखा है तो ग्राउंड को ग्राउंड से कनेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ताकि अगर वो सबबोर्ड में अलग कहीं से ग्राउंड मिले तो जीरो जीरो वोल्ट ना बन जाए, क्योंकि स्विच पहले ही ट्रिगर हो जाएगा, तो इसलिए इसको मैं ऐसा कर ले रहा हूँ, यानी कि ध्यान रखना है इस बात को। एक वायर जुड़ गया, दूसरा जो है बटन का, इसको पहले सोल्डर हम यहाँ पे लगा लेंगे ताकि लगने में आसानी हो जाए। ये हो गया, अब यहाँ पे कौन सा मार्क किया था मैंने, ये तो एक बार मैं इसको इसको ट्रिम कर लेता हूँ ऊपर से ताकि शोल्डर हो पाए। अच्छा ये तो इस कैपेसिटर पे ही लग जाएगा, यही है ना, कोई दिक्कत नहीं। ये छोटा सा चीज़ है बट इसमें कुछ अवेयरनेस वाली बात थी, इसलिए मैं सोचा कि बताया जाए, क्योंकि लोग मिस्टेक करते हैं, क्या करेंगे, क्योंकि वो SOP पढ़ने से नाराज़ हैं। बोर्ड ऑन हो रहा है, ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो SOP जो है स्टैंडर्ड, जो उसका ऑपरेटिंग खोलने के लिए जो मैनुअल बनाया जाता है, या फिर वो पार्ट एक्सचेंज करने के लिए मैनुअल मिलते हैं, आराम से इजीली मिल जाते हैं आपको वेबसाइट वगैरह पे, या फिर कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे,
उसको आप पढ़ा करिए, क्योंकि कोई भी नया मॉडल आता है तो एक बार पढ़ लेंगे तो आपके लाइफ टाइम के लिए याद रहेगा, कौन सा बटन, कौन सा बटन कहाँ लगेगा, कौन सा करेक्टर कहाँ लगेगा, कौन सा स्क्रू कहाँ लगेगा, कौन से चीज़ कहाँ पे लगे हुए हैं, साइज स्क्रू का छोटा बड़ा ये सब पता चल जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है आसूस में होल कर देते हैं लोग, आर पार कर देते हैं, और वो बोर्ड मिलता भी नहीं है और बनता भी नहीं है। तो एक छोटा सा केस, और ध्यान रखिए इस चीज़ का कि माइलर आपका लगा होना चाहिए। माइलर बोलने से इसका डिफरेंट डिफरेंट नाम है, कोई चड्डी बुलाता है, कोई पेंट बुलाता है, कोई कुछ बुलाता है, बट इसको टेक्निकली हम माइलर ही बोलते हैं, है ना। तो ये जो ब्लैक कलर का है, जो प्लास्टिक का जो भी आइटम होता है उसके ऊपर जो लगता है आइसोलेट करने के लिए दो चीज़ों के बीच में, वो माइलर होता है। तो एक छोटा सा मेरा सजेशन रहेगा बिगनर्स या जो भी काम कर रहे हैं, नुकसान अगर आपका होगा तो हमें भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। अगर आपसे नहीं बन पाएगा तो आप दूसरे किसी लिए काम छोड़ेंगे तो शायद वो कर ले, उसको दो पैसा मिल जाए या कस्टमर का भी भला होगा। तो इस तरह का केस जो है, इसके लिए पहले आप प्रिपेयर होइए प्रॉपरली, आपका डेस्क सेट कीजिए, मैला नहीं रहना चाहिए, कचरा नहीं रहना चाहिए, उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होना चाहिए, मैट वगैरह जो भी लगाना है आप लगाइए और तरीके से काम करिए ताकि नुकसान ना हो। नुकसान तो दोनों तरफ से हो रहा है, कस्टमर तो आपको छोड़ेगा नहीं, है ना। तो इसीलिए हम मैं बोलता हूँ कि एक आपका स्टैंडर्ड सर्विस चार्ज होना चाहिए कि अगर आपको कहीं नुकसान होता है तो उसे मेकअप किया जाए, है ना। अब इस केस में मान लीजिए कि ये आपने 300 रुपये में बोला कीबोर्ड में चेंज कर दूंगा, ठीक है, आपने चेंज कर दिया, बहुत अच्छी बात है, बोर्ड रेडी हो गया, चल गया, मतलब आपका यूनिट चल गया। लेकिन आई चांस इस केस में अब ये हुआ है कि कनेक्टर डैमेज हो गया है साइड का, अभी कस्टमर बोलेगा मेरे को साइड का सी टाइप का पोर्ट चलना चाहिए, कार्डेडर चलना चाहिए, ठीक है। अगर ये तो चलो एक बार के लिए मैनेजेबल है, हम ढूंढ ढांड के कहीं से सर्विस सेंटर से लगाएंगे, लेकिन अगर ये बोर्ड डेड हो जाता तो, प्रोसेसर शॉर्ट हो जाता तो, उस केस में आपको कस्टमर थोड़ी ना बोलता कि हाँ चलो सर आपसे ख़राब हो गया, कोई बात नहीं दूसरा नया ले लूँगा। वो आपको अच्छे से आपका बैंड बजा के वो आपको 10,500-11,000 रुपये आपसे कलेक्शन करके लेके जाएगा, या फिर जैसा था उसको आपको यूनिट करके देना पड़ेगा, कोई चारा नहीं आपके पास। तो आप सोचिए कि आपको सर्विस चार्ज कस्टमर से प्रॉपरली लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये आपके ऊपर बात रहेगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे केस में, तब तक के लिए सभी को नमस्ते।